दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की बेटी और अभिनेता रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अपना 41वां जन्मदिन परिवार सहित उदयपुर में मनाया है। उनकी मां नीतू कपूर ने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें रिद्धिमा कपूर अपनी मां पति भरत साहनी और बेटी समारा के साथ दिखाई दे रही हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरों के साथ नीतू कपूर ने अपनी बेटी रिद्धिमा को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, जन्मदिन की बधाई मेरी लाइफलाइन। रिद्धिमा ने अपना जन्मदिन उदयपुर के होटल लीला पैलेस में मनाया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। उल्लेखनीय है कि रिद्धिमा कपूर साहनी पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर हैं। रिद्धिमा अपनी माँ के बहुत करीब हैं और उनसे एक खास बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों को अक्सर कई मौक़ों पर एक साथ देखा जाता है। रिद्धिमा कपूर का पैशन हमेशा से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग रहा है, जिसके लिए पहले उसने फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। कई साल पहले उसने आर नाम से ज्वेलरी ब्रांड शुरू किया और यह काफ़ी पॉपुलर है। रिद्धिमा कपूर को बचपन से ही एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता भरत साहनी दिल्ली के सफल कारोबारी हैं। बर्थडे नाइट पर मां नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ ब्लैक ड्रेस में नजर आईं। बर्थडे सेलिब्रेशन पर राजस्थानी कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी थी। इसके दौरान रिद्धिमा ने कालबेलिया डांस किया। रिद्धिमा ऋषि कपूर और नीता कपूर की सबसे बड़ी बेटी हैं। उन्होंने 2006 में भरत साहनी से शादी की थी। दोनों की 10 साल की बेटी समारा भी है। गौरतलब है कि राजस्थान पर्यटकों के साथ बॉलीवुड के लिए भी पसंदीदा जगह है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। कई अभिनेता और अभिनेत्री यह अपना जन्मदिन मनाने आते हैं। जोधा अकबर, पहेली और हम साथ साथ सहित कई अन्य फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई थी। Yes, happy birthday, man.